अच्छी लेके आई है, वो शायद किनारे रहे चाहे एक जगह पाए जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे बेटे बेटियां हैं वो, हमारे बहनों के साथ वो रुक जाएंगी, यही रहेंगी, बच्चों के साथ वो आई है। इतना निवेदन करना चाहता हूँ, भाई के कलाई में राखी बांधे हो तो भाई कभी धोखेबाजी या धोखा नहीं करेगा, लेकिन एक भी बात से बना रहा हूँ कि जो गोदी में बच्चा है, जो गोदी में मेरा तब तो मेरे साथ दो बच्चे मेरे साथ खेल भी रहे थे बचपन, अभी दोनों बच्चे दौड़ भी गए हैं, इस नाते आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग बच्चे वाले जो बहने हैं वो कदाप ना निकलेंगी, यही रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बच्चों के साथ ही गिरफ्तारी में आप लोग को शामिल करेंगे, क्योंकि कोर्ट पूछेगी कि बच्चे क्या जुर्म किए थे, क्योंकि जब हम मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री थे तो मैं बता दूं 40,000 लोगों की पूरे प्रदेश में गिरफ्तारी हुई थी, 600 रुपया वृद्धि हुआ था, और उस गिरफ्तारी में आपसे बता देना चाहता हूं उस गिरफ्तारी में हमारे साथ 1.5 साल का बच्चा भी था, वो अम्बेडकर नगर की महिला थी, और जेल से जब वहां घर गई तो उसका पति उसको घर से बाहर निकाल दिया, और दुख हुआ था, मैं जब अम्बेडकर नगर में गया सम्मान करने तो आंखों से आंसू फटा गई थी, लेकिन जब वो शिक्षक बनी तो उनका पति मेरे पास पैदी करने लगे, साहिब जी हमारे पत्नी से जरूर पाई, वो इतना त्याग बलिदान दी, उसके बाद भी अपने परिवार के साथ रही आए भी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आप शुक्ला जी बोले हो कि 3:04 पुलिस प्रशासन 3:20 दे दिया, जब आप 3:20 देंगे तो 3:30 कर देंगे, उनकी बहुत बड़ी गेम है, जब 3:20 हो सकता है तो 3 बजे आ जाए, और 3 बजे क्यों नहीं ले जाते, इस नाते आपसे कहना चाहता हूं आप समय बढ़ाएंगे समय वो भी बढ़ाते जाएंगे, एक डेडलाइन आपने बनाया कि 3:01 चिट्ठी आ गई 3:20, शायद डेडलाइन नहीं बनी होती तो डेडलाइन पूरा भी नहीं होती 3:20 होती होती, इस नाते आप अपने बातों पे अडिग रहो, अपने कार्यों पे अडिग रहो, हम लाठी लेके आए हैं डंडा लेके आए, लखनऊ में तो झंडा में डंडा भी था, यहां तो भी है कहां शिक्षक आए हैं, इस नाते आपसे कहना चाहता हूं 3 बजे का वो समय होगा, यदि प्रशासन के लोग हमको नहीं लेके चलते हैं तो 3 बजे से लाइन लगनी चालू हो जाएगी, और 3:11 पे हम लोग निकलेंगे, निकलेंगे ना, हो सकता है पीएम साहब ये भी देखना चाहते हैं इनमें ताकत है, हो सकता है ये भी देखना चाहते हैं कि कुर्बानी देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, यदि कुर्बानी पे हम लोग मार पूरा करना चाहते हैं तो ऐसी शर्म होनी चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए, ऐसा नौ नंबर बारे हम लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक रहेंगे, और जहां आप रोकेंगे वही रुकेंगे, लेकिन एक बात और बता दो,
सब मना लिए, हम मानने वाले नहीं, हम मानेंगे नहीं ना।